पर कौवा, तो उसको भगाने के लिए ये पूरा जतन कर रही है। गुरबन इनको देख रहा है, ये कड़कनाथ के इधर पेड़ पर चढ़कर बैठा हुआ है। ये जंगल साफ और मीठा पानी है मोटर का, ट्यूबवेल का। इधर अपना ट्यूब ये देखो भी, बस सारी वो बच्चे आगे बैठे हैं और ये डक है जो है सारी बार खोल दिया। अब जब कैसे भागा हुआ आ रहा है, ये देखो मुर्गियां बड़े दिखाए थे वो सारे कल सेल हो गए हैं जी, कोई पालने वाला अंडों। तो व्यूअर्स ये देखो पेड़ के नीचे मिट्टी में कैसे लोटपोट हो रहा है जी, मिट्टी खोद कर आराम से बैठा हुआ ब्लैक ऑस्ट्रलोप का जी मुर्गा है। और इसके साथ साथ हम लोग क्या है जी, जो अपने पौधे लगा रखे हैं अपने फार्म हाउस में, तो जो ये पौधे लगा रखे हैं जैसे एप्पल का पौधा आ गया है, आंवले के हैं, किन्नू का पौधा है, तो इनमें क्या है गुड़ाई करते हैं नीचे। उधर तो आप देख रहे होंगे जैसे सभी में गुड़ाई कर दिया, आगे भी सारे पौधों में गुड़ाई कर दी है। ये तीन चार बच रहे हैं तो इनकी भी गुड़ाई कर कर छोड़ेंगे जी, उससे क्या है जी पौधे की बढ़वार अच्छी होती है। तो ठीक है भाई, बस आपको ये बताना था अपना रेगुलर का क्या क्या फार्म में क्या काम होता है क्या नहीं होता है, वो सभी आपको बताते रहेंगे कंटिन्यू वीडियो में ब्लॉग में। तो अब गर्मी थोड़ी होने के कारण जो मुर्गे हैं वो फार्म के अंदर चले गए हैं, सुबह के वक्त बाहर होते हैं। ये टर्की की एक फीमेल ही बाहर घूम रही है, बाकी सब अंदर चले गए हैं जी। व्यूअर्स हम लोगों ने डक को खोल दिया जी, तो ये आगे निकल गई है बाहर, खोलने के बाद अब वापस आएगी। ये देखो व्यूअर्स सारी वो बच्चे आगे बैठे हैं और ये डक है जो है सारी बाहर खोल दिया, अब जाएगी सीधा फीड और अपना पानी पानी में लग जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, तो इसको खोल दिया, अब इसको 10-11 बजे के तकरीबन खोलते हैं ताकि ना ये क्या है अपने अंडे जो वगैरह है वो पूरे दे ले। आपको इनके अंडे भी दिखाते, ये देखो व्यूअर्स इन्होंने रात के वक्त ये अंडे दिए हुए हैं, 10-11 बजे तक ये जो डक है अपना पूरा अंडा वगैरह दे देती है। तो ये इसने अपने अंडे दे रखे हैं, 3 और 3 6 अंडे दे रखे हैं इन्होंने डक ने, तो अब इनको छोड़ दिया। इसके बाद ये अंडा नहीं देगी, ये अब रात को देगी या कल सुबह 11 बजे तक देगी। ठीक है व्यूअर्स, नमस्कार दोस्तों। तो ये अपने जो फीडर ड्रिंकर है, तो यहाँ पर ये अपनी मोटर ट्यूबवेल है, तो पानी चल रहा है जी। तो ये जो अपने फीडर ड्रिंकर है यहाँ से पानी से भर रहे हैं, बिल्कुल साफ और मीठा पानी है मोटर का ट्यूबवेल का। तो इधर अपना ट्यूबवेल लगा हुआ है, इस साइड अपना जी पहले वाला पोल्ट्री फार्म, तो फीड इनको दे रहे हैं, फीड के साथ साथ पानी बिल्कुल फ्रेश ताज़ा पानी यहाँ से भर रहे हैं जी। बिल्कुल ताज़ा जमीन से पानी निकल रहा है, बिल्कुल साफ पानी है एकदम। तो साफ पानी को हम लोग क्या अपने ड्रिंकर में भर रहे हैं आपको। ये देखो व्यूअर्स, तो ये अपने खेतों में धान में इधर पानी चल रहा है, इस साइड पानी छोड़ रखा है धान में, इधर अभी सूखा है इधर छोड़ना है। तो पानी भी चल रहा है और साथ साथ ये हम लोग इनके पानी वाले जो ड्रिंकर हैं तो इनको इसी पानी से जहाँ से धोकर बिल्कुल ठीक है ड्रिंकर वगैरह अच्छे से धोया जाता है। जैसे इसमें थोड़ी बहुत मिट्टी लगी होती है तो हम लोग क्या करते हैं व्यूअर्स, इसमें पानी में नीचे इस हिसाब से दे देते हैं, उससे क्या है इसमें जो मिट्टी है वो निकल जाती है, ये बिल्कुल साफ हो जाता है और यहीं से पानी भर रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, इधर वैसे टंकी भी लगा रखी है पानी के लिए, लेकिन वो ऑटोमेटिक ड्रिंकर है जो हम लोगों ने बंद कर दिए है जी, वो आपको अंदर दिखाऊंगा मैं फार्म में। तो व्यूअर्स इनको हम लोगों ने फीड और पानी दे दिया जी, 5:30 का टाइम है शाम का, 5:30 हो चुके हैं, तो इधर फीड खा रहे हैं और इधर पानी पी रहे हैं। तो व्यूअर्स ये हमने ऑटोमेटिक जो आपको टंकी दिखाई थी, टंकी का ये पाइपलाइन है, इसमें ये ऑटोमेटिक का आज भी ये स्प्रिंग वगैरह इसका जो है सिस्टम है वो लगा हुआ है, लेकिन इससे क्या होता है ऑटोमेटिक से अभी आप देख रहे होंगे थोड़ा थोड़ा गिल्ला दिख रहा होगा आपको फार्म, तो ऑटोमेटिक की जो बट्ठल सा होता है उसमें ये जो मुर्गे हैं ना ऊपर बैठ जाते हैं, तो ऊपर बैठने की वजह से बट्ठल टेढ़ा होने की वजह से पानी गिरता रहता है। उससे ये क्या है जैसे सावन भादो का महीना, सावन का महीना चल रहा है, इसके बाद भादो का आएगा, तो इस महीने में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण वैसे ही फार्म गीला रहता है जी, तो उस वजह से और ज़्यादा गीला हो जाता है। जैसे ये अपने मिनिमम ड्रिंकर लगा रखे हैं, जैसे ये लगा हुआ मिनिमम ड्रिंकर, इसे क्या है हम लोग क्या करेंगे उठाएंगे, तो जहाँ से गीला हो जाएगा तो इसको इधर लगा देंगे, इधर से जब गीला होगा तो इसको
इधर लगा देंगे जी। तो इस हिसाब से इसकी जगह जो चेंज होती रहेगी, तो उस हिसाब से इसको लगाते रहेंगे। तो व्यूअर्स, ये अपना वर्ड है, 1000 वर्ड है जो अपना मुर्गा मुर्गी मिक्स है इसमें। तो इसका कंटिन्यू ब्लॉग वीडियो बनाते रहेंगे, कब ये अंडे देगा, फर्स्ट अंडा, वो सारा सिस्टम इसमें आ जाएगा जी। तो ठीक है व्यूअर्स, व्यूअर्स ये डक पानी में घूम रही है अच्छे से। पानी का व्यूअर्स अपने वाटर लेवल कम हो गया जी, तो ये पाइप है इसकी, तो पाइप को अपने इधर से लगा देंगे जी। तो पाइप है जो उधर ट्यूबल में लगाते हैं, इसको आपको चलाकर दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, हम लोगों ने इधर से पाइप चला दिया, उधर पानी आ जाएगा। देखो नीचे हो रही है ना पाइप, ये पानी स्टार्ट हो गया जी पाइप उधर लगाने से। तो जी मिट्टी को खोरने से बचाने के लिए हम लोगों ने क्या, इधर ये एंटीन लगा रखा है। इसके आगे अपने पाइप के जब हाथ लगाते हैं तो इसमें क्या है, जो हवा है इसके अंदर वो थोड़ा सा निकलती रहेगी, और जो पानी है पूरा एकदम भर जाएगा। तो प्रेशर देखना भी, इसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो ये डक का, डक के लिए जो खड्डा हमने खोद रखा है, तो इधर से हम पानी उधर से भी इसको दे सकते हैं, पाइप दबा रखी है। अब ये देखो व्यूअर्स, इसका प्रेशर पहले से काफ़ी बढ़ गया है जी। अब देखो, तो इनका जो वाटर लेवल है और ऑक्सीजन है जो, वो सेट हो जाएगी इसमें। ऑक्सीजन, पानी की कमी होने के कारण इसमें क्या है, कई बार ऑक्सीजन भी कम हो जाती है। देखो भी ऑक्सीजन की कमी के लिए भी ये पाइपलाइन अच्छी रहती है, तो इसमें पानी आता रहता है। जैसे ये बुलबुले निकल रहे हैं, तो बुलबुले निकलने से क्या है, ऑक्सीजन कम ख़त्म होती है जी। ये देखो व्यूअर्स, ये कड़कनाथ किधर पेड़ पर चढ़कर बैठा हुआ है। ये जंगली ब्रीड होती है, ये पेड़ों पर रहना ज़्यादा पसंद करती है, नीचे की बजाय ये पेड़ों पर बैठना ज़्यादा पसंद करती है जी। वो इधर इधर भी आप देखोगे तो इधर भी बैठे होंगे, वो देखो अपना खुद की जगह बनाकर ऊंची जगह पर बैठना पसंद करती है, धीरे धीरे ये इसके ऊपर बैठा करेगी। ये देखो व्यूअर्स, मैक्सी है जो ऊपर, क्या कां आ गया है जी, क्रो आ गया ऊपर, कौआ, तो उसको भगाने के लिए ये पूरा जतन कर रही है। कौआ इधर बच्चों को, छोटे बच्चों को उठाने के लिए आता है इधर, तो उसको भगाने के लिए ये टाइगर और मैक्सी दोनों इधर बैठे हुए। इधर गुरमन इनको देख रहा है, बड़े वो ध्यान से देख रहा है कि ये ऐसे क्यों छलांगे मार रहे हैं ऊपर पेड़ की ओर, है ना गुरमन पूरा सीरियस होकर देख रहा है एकदम, ऐसे क्यों छलांगे लगा रहे थे ऊपर पेड़ के ऊपर करवाने। बहुत लोग कहते हैं जी बुली डॉग है जो, इनको थोड़ा मतलब अकल कम होती है, लेकिन अगर आप अच्छे से इनको पालो तो गार्डनिंग में ये बहुत ही ज़्यादा, जब ये देखो अभी भी इसका ध्यान पेड़ के ऊपर है, तो गार्डनिंग के तौर पर अगर आप इसको अच्छे से पालते हो ना, तो मेरा मानना ये है कि जो जो बुली डॉग है ना, तो इनसे अच्छा और इनसे समझदार डॉग कोई और नहीं है। ये तो हमारे पालने पर है कि किस हिसाब से हम लोग इसको ट्रीट करते हैं, कैसे पालते हैं। अगर हम लोग इसको बांध कर रखे पिंजरे में, इनको बंद रखे, तो अग्रेसिव तो होना लाजमी है व्यूअर्स। अगर आप सोचो कि इंसान को अगर कोई कमरे में बंद रखे, तो वो भी कितनी देर बर्दाश्त कर सकता है। तो ये भी जानवर है, बेजुबान ज़रूर है, लेकिन इनकी भी फीलिंग वगैरह होती है। हम लोग इनको ज़्यादातर दिन, रात को तो पूरी रात खुले रहते हैं, दिन में भी ज़्यादा टाइम खुला रखते हैं जी। ये देखो व्यूअर्स, आप देखोगे मेरे बिल्कुल पास में आकर ये बैठा हुआ है, देख इधर से आएगा आपको, देखो ये देखो इधर बिल्कुल पास में चेयर के पास बैठा हुआ है। और ये गुरमन है जो कैमरे को अच्छी तरीके से देख रहा है, खुद की फोटो देख कर ऐसे इसको अजीब लग रहा है कि ये तेरी फोटो है गुरमन। ठीक है व्यूअर्स, तो व्यूअर्स अपने आज अब खेत में आए हुए हैं, वैसे तो खेत में ही रहते हैं, तो
पोल्ट्री फार्म में वैसे ज्यादा होने के कारण इधर कम विजिट होती है। तो ये सारा पीछे आप देख रहे हो, आगे तक अपना धान का खेत है, आगे तक आप जहाँ तक भी आपकी निगाह जा रही है। तो ये जो अपना इधर खाला है आपको दिखाते हैं व्यूअर्स, तो ये अपने कई साथ में लेकर आए हैं। इसको क्या है, इसमें घास काफी हो गया है। तो ये देखो व्यूअर्स, इसमें स्प्रे कर दिया था ग्रामोक्सोन, लेकिन फिर भी घास काफी है। तो इसको क्या है, अपने घास को निकालते हैं जी, तो आराम से पानी है जो खेत में चला जाए। ये देखो दोस्तों, धान के खेत में मकड़ी है जो अपना जाला बुन रही है। इसके अंदर जो क्या है, तितली होती है जिससे इसमें कीट पतंगे उत्पन्न होते हैं, तो उनको ये खत्म करती है। तो आगे आपको वो दिख रहे होंगे सारे मकड़ी के जाले बने हुए हैं जो चमक रहे हैं ना धान के अंदर अलग से। तो कैमरे में तो इतने नहीं आ रहे हैं मोबाइल पर, वो देखो आप डॉट 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 दिख रहे हैं, सब जाले बने हुए हैं। इधर अपने पास ही हजारों की गिनतियों में मकड़ी ने जाला बना रखा है। तो अंदर से ये धान देखो व्यूअर्स, एकदम हरा